अपने अशकों को तुझे दरिया बनाना होगा, बेड़ा पार करने को जरिया बनाना होगा। आएगी वह सुबह हंसी एक रोज यकीनन, कदमों में जब तेरे सारा जमाना होगा। ये वाकई हौसले की बात है। वह पैरों से तस्वीरों में जान डालती है, मानो वह व्यक्तित्व तो सामने खड़ा हो। अमिताभ, सीएम और योगी न जाने कितनी तस्वीरों को उसकी प्रतिभा की गवाही दे रही है। आप सोच रहे होंगे यह उसके हाथों का कमाल है। जी नहीं, वह अपने पैरों से इन आकृतियों को शक्ल देती है। नाम है प्रकृति, जैसा नाम वैसा ही काम। अपने नाम को मायने देती इस बेटी ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद उसके माँ बाप ने भी नहीं की थी। अब जबकि उसने धीरे धीरे मंजिलों की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, तो परिवार समेत आसपास के लोगों ने भी हौसला दिया है। हौसला बढ़ा तो 10 घंटे की अथक प्रयासों ने भी रंग दिखाया। उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया, जिसे अप्रूवल मिल गया। अब उसकी प्रतिभा को परखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम शामली में है। बिटिया अपने अथक प्रयास में मशगूल है, पेंटिंग को अंतिम रूप देने में लगी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 141 स्क्वायर मीटर का है। बिटिया 161 स्क्वायर मीटर की पेंटिंग बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। पूरा गांव इस काम में उसके साथ है। बेटी को शुभकामनाएं। और अंत में, इस गुलिस्तान में भी महकेंगी फजाएं सारी, फूटेंगी दमकते सूरज की शुआएं सारी, होंगी मकबूले नवाजे दुआ तेरी, ये गुलशन में भी फूलों का जमाना होगा। सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए बेटी ने इस अटेम्प्ट कर रही है। देखो, जैसे प्रकृति दीक्षित स्क्वायर मीटर का ये जो अटेम्प्ट कर रही है, अब मेजरमेंट होगा वैसे तो, लेकिन 164 स्क्वायर मीटर के आसपास, 64 के आसपास में जो ये कैनवास है उसकी है। अब पहले 141 स्क्वायर मीटर का था, अब ये 160 अबव, नियर अबाउट 164 मीटर के आसपास में कैनवास को। आपको क्या लगता है कि ये रिकॉर्ड छू पाएगी? 100% 100% ये जो ठान लेती है, ये इसका 2 साल का अचीवमेंट है, इससे पहले कुछ नहीं था। और ये फुट पेंटिंग तो इसकी, मैं आपको बताऊंगा, रक्षाबंधन के वाले दिन से, जो अभी रक्षाबंधन है उस दिन इसने इमेजिन किया। ये इंडिया गोट टैलेंट दिल्ली में इसका ऑडिशंस था, वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ इसके सामने कुछ आया, मैं तो था नहीं, इसकी मम्मी साथ में थी, कि क्या आप पैर से भी कर सकते हैं। तो इसने बल्कि मुझको फ़ोन से कहा कि उन्होंने मुझसे इस प्रकार से मांगा है, इसने यस बोल दिया। और यस बोलने के बाद में फिर अपने आप में कहने लगी, पापा मुझसे फ़ोन करे, मेरे सर पापा मैंने तो यस बोल दिया, अब पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा, बेटे क्या होगा, तो तुमने बहुत गलत किया। बोला, नहीं नहीं पापा, 100% मैं कर लूँगी। और इसने कुछ घंटों के बाद में ही मुझे फिर वो वीडियो भी भेजी और कहा, पापा मैंने अचीव कर लिया, मैंने बना दिया। ज़्यादातर वीडियो को छूत रखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? नैरो माइंडेड, 1000 बेटों से ऐसी बेटी, एक बेटी बहुत अच्छी और काबिल, ऐसी बेटी मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए। प्रेरणा तो उसे ख्वाबों से मिली है, जो उसके ख्वाब हमेशा से ही ऊँचे थे, कुछ अलग हटके करने के थे, और सपोर्ट हमने किया है, आगे मेहनत उसकी है, सफल आप लोगों का आशीर्वाद करेगा। नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और एक बेटी जब ऐसा काम करती है और माँ बाप का रोशन करती है, तो मैं समझती नहीं हूँ कि उन लोगों के दिमाग में क्या गंदे ख्याल आते हैं कि वो अपनी बेटी को कोख में ही, कोई अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार कैसे हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं है, यकीन है कि वो तोड़ेगी, वो ऐसा करेगी, वो चकदे फट्टे करेगी, 101% करेगी। पेंटिंग इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड फील्ड में बना रही हूँ। एंड स्टार्टिंग से मुझे ये है कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है किसी भी फील्ड में, मतलब पेंटिंग की फील्ड में। एंड मैंने इसमें अप्लाई किया था 3 मंथ बिफोर, एंड मेरे को 1 मंथ बिफोर इसका अप्रूवल आया, एंड टुडे इसका मैंने डेट फिक्स किया था करने के लिए। तो सो टुडे क्या बना रहा हूँ, मैं ये एक सी के अंदर ना टू फिशेज
बनाऊंगी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एंड ये 164 स्क्वायर मीटर है इसका साइज, एंड जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो 141 स्क्वायर मीटर है, तो उसे 23 स्क्वायर मीटर में उसको बड़ा बना देगा। एक्चुअली टाइम से इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, बस में बड़ा बनाना होता है, बट बिफोर प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो 9 आवर्स में बनाया गया था, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उससे कम टाइम में उससे बड़ा बना दूँ। आप ये जो चीज़ें कर रही हैं ये किससे इंस्पायर हो? इंस्पायर तो ऐसा है कि मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, वो खुद से इंस्पिरेशन आया है, वैसे किसी की मैंने वो नहीं किए, मुझे बस ये था कि मुझे मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ कहाँ क्या करूँ कि मतलब मेरा नाम हो जाए हटके कुछ ऐसे। प्रेरणा तो मेरी विलास नायक है, जो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि वो मैं स्पीड पेंटर भी हूँ एक, तो वो स्पीड पेंटिंग के में जाए तो वो मेरे आइडल हैं, बट इस चीज़ को मैं अपने एक इंडिपेंडेंटली अपने लिए करती हूँ। पापा का सपोर्ट क्या मिलता है? बहुत सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स का, वो मेरे लिए जितना हो सकता है बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ पेरेंट्स लाइक देम। ठीक है।